વાપીના બલીઠા રેલવે ટ્રેક પાસે ટ્રેન અડફેટે મૃત્યુ પામેલા 36 વર્ષીય રફીક નામના યુવકના મોત પ્રકરણમાં તેના પરિવારજનોએ હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી. મૃતક રફીકના પરિવારજનોએ જણાવ્યું હતું કે તેને પ્રેમ સંબંધ હોવાના કારણે મહિલાના ઘરવાળાઓએ તેની હત્યા કરી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ બનાવ અંગે ડુંગરા પોલીસે હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરી લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપી હતી. જો કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ યુવકના મોતનું સાચું કારણ જાણવા મળશે. ऐसा भी बात आ रही है, मामला क्या है और ये घटना जो हुई थी वो कब? ये घटना कल रात में हुई है और किस तारीख के दिन रात में हुई है और मेरे को मर्डर का शक है क्योंकि घर के अंदर गन वगैरह मिला है, बाहर घर की चप्पल मिली है और जहाँ उसकी बॉडी मिली और घर से काफ़ी दूर है, बस शर्ट वगैरह भी घर में ही है. अच्छा, आपका जो भाई है वो क्या करता था, यहाँ पर क्या काम करता था, किसके लिए आया था? मेरा भाई कलर का काम करता था, फिलहाल कुछ दिन से काम नहीं कर रहा था और यहाँ पे थोड़ा हम लोग से थोड़ा अलग रहता था. अच्छा, अलग रहने का क्या कारण, क्या किसी के साथ उसकी कुछ अनबनाव था या कुछ था? अनबनाव तो नहीं था, लेकिन एक लड़की औरत के साथ में उसका चल रहा था, फिर चल रहा था तो उसमें थोड़ा अनबनाव होता रहता था बार बार. मेरे पास भी बहुत बार कंप्लेंट आई थी, मैंने भी उसको बहुत बार मारा और समझाया था इस बारे में. पुलिस ने आपने पुलिस ने आपको ये जो बॉडी ये मतलब मेरे भाई को मैं ढूंढते ढूंढते निकला तो मैं रेलवे पुलिस में गया. रेलवे पुलिस ने बोला कि वापी टाउन में जाओ, वापी टाउन में भरतपुर पुलिस वाले ने मेरे को बताया कि पहचान कर ले चलो, तो मेरे को लेके गए. तो